नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड में कुछ ट्रिक्स के बारे में, या कह सकते हैं कुछ एडवांस ऑप्शंस के बारे में, जिनको यूज़ करके आप अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से या ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक में आता है लाइन खींचना। लाइन ड्रॉ करने के लिए जनरली किया जाता है, इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में शेप्स से आप लाइन लेते हैं और ड्रॉ करते हैं। थिकनेस वगैरह बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड मेन्यू के थ्रू आप यहाँ से थिक लाइन, या कलर चेंज करना है तो कलर्स वगैरह आप यहाँ से चेंज करते हैं। जनरली इस तरीके का किया जाता है। वर्ड में लाइन खींचने के लिए शॉर्टकट कीज हैं, कई सिंबल्स हैं जिनको यूज़ करके आप डायरेक्टली लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में लगाएंगे तीन, या तीन से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तीन डैश लगाएंगे, तीन या तीन से ज़्यादा डैश लगाएंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास में इस तरीके से लाइन आ जाएगी। तीन बराबर के साइन, इक्वल टू का साइन लगा के एंटर करेंगे तो डबल लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से तीन स्टार लगा के आप एंटर करेंगे तो डॉटेड लाइन आ जाएगी। वेब लाइन अगर आपको चाहिए तो टेल साइन लगाएंगे, कीबोर्ड पे एक नंबर की के पास में जो की होती है, टेल साइन शिफ्ट के साथ में लगाएंगे, तीन या तीन से ज़्यादा टेल साइन, इस तरीके से वेब लाइन आ जाएगी। एक अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा अंडरस्कोर यूज़ करेंगे तो एक इस तरीके से आपके पास में लाइन आ जाएगी। लाइन के बाद में सेकेंड ट्रिक में आता है टेबल बनाना। टेबल बनाने के लिए जनरली इंसर्ट में आते हैं आप और टेबल में से यहाँ से रोज एंड कॉलम सेलेक्ट करते हैं, या इंसर्ट टेबल से आप रोज एंड कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, कितने रोज चाहिए कितने कॉलम चाहिए। इसके लिए शॉर्टकट की, टेबल अगर आपको शॉर्टकट की से बनानी है तो प्लस का साइन लगाएंगे और जितना लंबा आपको कॉलम चाहिए उतने आप माइनस के साइन लगा देंगे। वापस से प्लस का साइन लगाएंगे, फिर जितना लंबा कॉलम चाहिए उतने माइनस के साइन लगाएंगे, फिर प्लस लगाया। सपोज तीन कॉलम के लिए अपने को चाहिए तो ये थर्ड कॉलम अपने को थोड़ा छोटा चाहिए तो यहीं पे आपने प्लस लगा दिया और एंटर करेंगे तो इस तरीके से एक टेबल आपके सामने आ जाएगी। एक रो आ गई आपके पास में, इसको बढ़ाने के लिए टेबल में मैंने आपको बताया था कि लास्ट सेल पे जब भी आप टैब की दबाएंगे तो आपके पास में नीचे रोज इंसर्ट होती हुई चली जाएंगी, तो जितनी भी आप रोज बढ़ाना चाहें वो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। थर्ड ट्रिक में आता है पैराग्राफ इंसर्ट करना। पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है रेंड, बराबर का साइन लगाएंगे, आर ए एन डी, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कितने पैराग्राफ चाहिए और कॉमा कितने लाइन के होने चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इससे तीन तीन लाइन के पांच पैराग्राफ इंसर्ट हो गए। अंडू कर देते हैं, पांच पैराग्राफ इंसर्ट करे आपने तीन तीन लाइन के, कोई भी दो नंबर दे सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपको चाहिए 15 पैराग्राफ तीन तीन लाइन के या दो दो लाइन के, एंटर। तो दो दो लाइन के 15 पैराग्राफ देख लेते हैं, इस तरीके से आपके पास में दो दो लाइन के 15 पैराग्राफ इंसर्ट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप दो नंबर्स दें, एक नंबर भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे देते हैं सपोज 111 और एंटर करते हैं तो भी आपके पास में एक टेक्स्ट इंसर्ट हो जाता है जिसके ऊपर आप कोई ऑप्शंस अप्लाई करके देख सकते हैं। ये एक सिस्टम के थ्रू आपके पास में टेक्स्ट इंसर्ट होता है, डमी टेक्स्ट है। नेक्स्ट ट्रिक में आता है बैकग्राउंड चेंज करना। पीछे जो आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है पेज के पीछे, इसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए बैकग्राउंड फाइल में आएंगे, ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जर्नल में मिलेगा आपको कलर स्कीम्स, सिल्वर, ब्लैक एंड ब्लू, तीन बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी सिल्वर लगा हुआ है, इसकी जगह आप चाहें ब्लैक
ओके किया आपने, तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाएगा। इसी तरीके से फाइल में आए ऑप्शन और यहाँ पे कर दिया आपने ब्लू, तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लू हो जाएगा। और इसी तरीके से आप सिल्वर बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक में आता है सिंबल्स इंसर्ट करना। सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए भी आप इंसर्ट में आते हैं और यहां से सिंबल्स इंसर्ट करते हैं। सिंबल कुछ ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्माइली अगर आपको चाहिए, कॉलन का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज, तो स्माइली साइन आ जाएगा। और जूम कर लेते हैं इसको, कॉलन का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये स्माइली आ जाएगा। या बुलेट्स के लिए कुछ एरो चाहिए आपको, तो इस तरीके का आ जाएगा। दो बराबर के साइन लगाएंगे, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, तो इस तरीके का एरो आ जाएगा। लेस देन लगा के दो बराबर के साइन लगाएंगे, तो इस तरीके का एरो आ जाएगा। सेम वही लेस देन लगा के दो डैश अगर आप लगाते हैं, तो इस तरीके का सिंबल आ जाएगा। लेस देन लगा के इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन लगाते हैं, तो इस तरीके का सिंबल आ जाएगा। ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो इंसर्ट में जाके आप सिंबल के थ्रू ही इंसर्ट करते हैं, या आप डायरेक्ट शॉर्टकट कीज के थ्रू भी ये वाले सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ट्रिक में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके डेली यूजेज में काम में आएगी, वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए फर्स्ट सिलेक्शन का तरीका, किसी भी वर्ड को आपको सेलेक्ट करना हो तो आप उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। लाइन सेलेक्ट करनी है अगर आपको पूरी, तो कंट्रोल दबाएंगे और कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो फुल स्टॉप से लेके फुल स्टॉप, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है और जहां पे लाइन खत्म हो रही है वहां तक की लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। दूसरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सपोज इसको करना है, सॉरी, तो ये लाइन सेलेक्ट हो गई। दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल दबाएंगे और सिंपल एक माउस का क्लिक करेंगे आप, तो आपकी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। पैराग्राफ सेलेक्ट अगर आपको करना है तो पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए तीन क्लिक करेंगे वर्ड के ऊपर पैराग्राफ पे, तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ सेलेक्शन के लिए किसी भी पैराग्राफ पे आप तीन क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। जिस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तीन क्लिक करेंगे सिंपली, तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। दो पैराग्राफ एक साथ में सेलेक्ट करने हैं, एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दवाई, और दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। ये दो पैराग्राफ आप इस तरीके से रैंडमली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे एक और सेलेक्शन का तरीका, अगर आपको ये जैसे एक लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है, टेबल जो है, इसमें से अगर आपको कहा जाए कि केवल नेम सेलेक्ट करने हैं, तो सिंपली ये नेम सेलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पे जो वर्ड में सिलेक्शन होता है वो इस तरीके से हॉरिजेंटल होता है। तो आपको अगर केवल नेम वाला जो कॉलम है ये सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप ऑल्ट की दबाएंगे और जहां से जहां तक का एरिया आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपका केवल सिलेक्शन होगा ये वाला। कॉपी करना है कॉपी भी कर सकते हैं, और दूसरी जगह आपको पेस्ट करना है तो पेस्ट भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फादर नेम, सपोज आपको केवल फादर नेम ये वाला जो डेटा है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये निकालना है, तो ऑल्ट दबाएंगे और माउस से सिलेक्शन कर लेंगे ड्रैग करके इस तरीके से। कॉपी पेस्ट सेम हो जाएगा, कॉपी किया और पेस्ट। अब यहाँ पे दो ट्रिक्स को एक साथ में कैसे यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे रोहित, राजू, अंजू, आरती, रवि, इनको सबको आपको एक साथ में कॉपी करके या यहाँ से निकाल के और यहाँ पे इस तरीके से एक लिस्ट बनानी है। इसको डिलीट कर देते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे,
वर्ड सेलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि आप डबल क्लिक कर देंगे किसी भी वर्ड के ऊपर तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। एक वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल की दबाएंगे, दूसरे वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे, तीसरे वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप सभी नाम सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया, और जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है क्लिक किया कंट्रोल भी। तो एक इस तरीके से आप लिस्ट इस पर नेम्स को निकाल के और इस तरीके से लिस्ट आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके जो आज आपने सीखे, या ट्रिक्स भी कह सकते हैं इनको वर्ड में, जो आप यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।